योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 17 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ, लेकिन आज स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधिवत रूप से प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों व महिला जनप्रतिनिधियों के साथ जूम ऐप पर ऑनलाइन संवाद किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मिशन शक्ति बालिकाओं तथा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत उनको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के साथ साथ आत्मसम्मान से जीने के उन उपायों से अवगत कराया जाएगा, जो कि समाज के मुख्य घटक है और क्रियाशील नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन स्कूल तथा स्कूल के बाहर नुक्कड़ नाटक, जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर जन सामान्य को इस बात की प्रेरणा देने के उद्देश्य से किया जाएगा कि वे स्वयं संस्कारित हो तथा अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दे जिनसे कि उनके अंदर महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रति आदर व सम्मान पैदा हो। नवरात्रि के दौरान लगाए जाने वाले दुर्गा पंडालों में जागरण, नाटक व जूडो कराटे के प्रदर्शन से इस उद्देश्य को प्रभावी रूप दिया जा सकता है। ऑनलाइन संवाद करते हुए बागपत के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर एमपी सिंह ने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि वे अपने विद्यालयों में एक महिला नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो कि मिशन भावना से मिशन शक्ति कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर सके। डॉक्टर एम पी सिंह, DIOS बागपत, लिसनिंग द इनॉग्रल एड्रेस ऑफ मिशन शक्ति बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी महाराज बाय कनेक्टिंग हिमसेल्फ ऑन जूम टुडे एट 4 PM।